बिजनौर में 10 सितंबर को खो खो की नेशनल खिलाड़ी बबली की दिनदहाड़े हत्या हुई थी। इस मामले में अभी तक पुलिस हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है। अब इस मामले की जांच में जुटे डीआईजी शलभ माथुर का दावा है कि हत्यारे जल्द ही बेनकाब किए जाएंगे और सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। वहीं बबली की हत्या करने के वक्त का एक ऑडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है और ये वायरल किया जा रहा है। पुलिस अब वायरल ऑडियो की जांच कर रही है। आपको बता दें कि गले में दुपट्टे से बंधा बबली का शव बिजनौर रेलवे स्टेशन परिसर पर मिला था। पहले बिजनौर पुलिस ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए पूरा मामला जीआरपी के हवाले कर दिया, लेकिन शासन स्तर पर दखल के बाद इस केस की फाइल बिजनौर पुलिस को दी गई है। मैंने कल भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और आज दूसरी साइड से किया है, जो परिवार का जो रास्ता आता है घर की उसकी तरफ से, और कल टीम्स के साथ मीटिंग भी की थी, आज सुबह भी एक बार मीटिंग की, और इस घटना के अंदर काफ़ी क्लूज हम लोग को मिले हैं और वो पुलिस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई इसके लिए। तो मल्टीपल टीम्स गठित है, जैसे जैसे हम लोग के पास क्लूज आते जा रहे हैं उस हिसाब से हम क्लूज में एड ऑन करते जा रहे हैं।